यह घटना बैसाख माह में हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत 1535 यानी लगभग वर्ष 1478 की है। श्री गुरु नानक देव जी अपने भैंसों को चराने को निकले थे। घनी धूप थी और पशु छाया में बैठ गए। गुरु जी ने भी एक पेड़ की छाया तले एक चादर बिछाई और वह विश्राम करने लगे। सूरज जब पश्चिम की तरफ हुआ तो गुरु जी के मुंह पर धूप आने लगी। सो रहे गुरु जी के मुख से पसीने की बूंदें मोतियों की तरह टपकने लगी। यह देखकर एक काला कोबरा सांप उनकी ओर आया और उनके मुख की ओर अपना फन फैला दिया। संयोग से राय बुल्लर अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़े से उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर श्री गुरु नानक देव जी सो रहे थे। इस दृश्य को देखकर राय बुल्लर ने अपने साथियों से कहा, अगर यह बालक जीवित है तो यह जरूर कोई महापुरुष होगा, नहीं तो सांप इसे डस चुका होगा और इसकी मृत्यु हो चुकी होगी। तभी राय बुल्लर को बताया गया कि यह बालक कोई और नहीं अपितु कालू पटवारी का पुत्र नानक है। सिपाही जब गुरुजी को उठाने गए तो वह सांप वहां से लुप्त हो गया। गुरुजी नींद से जागे और लोक मर्यादा के अनुसार राय बुल्लर को प्रणाम किया। राय बुल्लर ने गुरुजी का माथा चूमा और अपने गले से लगा लिया। इसके पश्चात राय बुल्लर अपने घर आए और गुरुजी के पिता कालू मेहता को बुलाकर कहने लगे, पटवारी साहब, तुम्हारा पुत्र महान व्यक्तित्व का स्वामी है और यह आम बालक नहीं है। इसे कभी डांट फटकार मत लगाना, शायद इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है। आप धन्य हैं जो आपके घर नानक जैसा पुत्र जन्मा है। गुरुजी के पिताजी ने बोला, अभी तो यह कोई महान पुरुषों जैसी बातें नहीं करता, देखते हैं वह दिन कब आएगा जब इसमें अकल आएगी। इसके पश्चात एक दिन और राय बुल्लर को गुरु नानक देव जी वृक्ष के नीचे सोते दिखाई दिए, परंतु उस दिन भी एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे सभी पेड़ों की छाया दूर होने लगी, परंतु श्री नानक जिस पेड़ के नीचे सो रहे थे उस वृक्ष की छाया दूर नहीं हुई। राय बुल्लर ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महान व्यक्ति है और आपको बता दें वह नानकी गुरुजी की सबसे पहली मुरीद थी यानी उनकी भक्त थी। और वह नानकी के पश्चात राय बुल्लर उन कुछ गिने चुने खुश नसीबों में है जिन्होंने गुरुजी के दिव्य रूप को पहचाना और हमेशा उनका साथ दिया। क्या आप जानते हैं कि जिस नाग ने अपना फन फैलाकर गुरुजी के मुख पर छाया दी थी उसका क्या हुआ? कहा जाता है कि जब गुरुजी संसार को एक करतार का संदेश देने के लिए अपनी उदासियों पर निकले थे तब वह नाग भी गुरुजी के पीछे पीछे गया था। वक्त गुजरा और अपनी उदासी के दौरान गुरुजी एक गांव पहुंचे और वहां उन्होंने 9 महीने बिताए। अब वह नाग वक्त के साथ बूढ़ा हो चुका था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने उसे उसी स्थान पर अपना बचा हुआ जीवन बिताने का आदेश दिया। जिस स्थान पर गुरु जी ने उस नाग को अपना बचा हुआ जीवन बिताने का आदेश दिया था आज वहाँ गुरुद्वारा श्री नागिन साहिब जी है। यह गुरुद्वारा पंजाब के एक छोटे से उडोके नाम के गाँव में स्थित है जो अमृतसर से 35 किलोमीटर दूर बटाला के पास है। इसी जगह पर वह वृक्ष भी है जिसके नीचे बैठकर श्री गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का सिमरन किया था। थोड़ी दूरी पर ही गुरुद्वारा कंद साहिब भी है। आप जब भी अमृतसर जाएं इन ऐतिहासिक जगहों के दर्शन करना ना भूलिएगा। सतनाम श्री वाहे गुरु। गुरु नानक देव जी बालकाल से ही दिव्य रूप और शक्तियों के स्वामी थे। पूरे गांव को पता था कि गुरु जी आम बालक नहीं है अथवा परमपिता परमेश्वर का ही एक रूप है। उनकी इन्हीं शक्तियों को सुनकर एक किशोर उनके पास पहुंचा। किशोर ने कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और मेरा पूरा परिवार कष्ट में है, आप हमारी मदद करेंगे? गुरुजी उस किशोर के संग जैसे ही उसके घर पहुंचे वहां एक महिला उदास बैठी थी। गुरुजी ने पूछा, क्यों उदास हो? वह महिला बोली, मेरे सभी पुत्र किशोर अवस्था में आकर मर चुके हैं, अब मेरा पुत्र किशोर अवस्था में आ गया है। इसी बात का मुझे गम है कि अब वह भी मर जाएगा। गुरुजी बोले, कौन है तुम्हारा पुत्र?
यही जो तुम्हें साथ लेकर आया है। क्या नाम रखा है तुमने इसका? मर जाना। गुरुजी ने महिला से पूछा, ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि इसने किशोर अवस्था में आने पर मर ही जाना है, इसीलिए मैंने इसका नाम मर जाना रखा है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह भी एक दिन मर जाएगा तो तुम मुझे इसे दे दो। अगर ये तुम्हारे पास रहकर बच सकता है तो तुम इसे ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। गुरुजी ने कहा, आज से इसका नाम मर्दाना होगा, क्योंकि अब यह किशोर या और कोई भी तुम्हारे परिवार में कम उम्र में नहीं मरेगा। जाओ, अभी तो तुम अपने पुत्र को अपने पास रख लो, परंतु जब मुझे इसकी जरूरत होगी इसे अपने संग ले जाऊंगा। आप जानते हैं मर्दाना का मतलब क्या होता है? मर्दाना यानी जो मरता ना हो। इस प्रकार मर्दाना और गुरुजी की पहली भेंट हुई। श्री गुरु नानक देव जी मस्तानों की भांति रहते थे। किसी से बातचीत ना करना व ध्यान में लीन रहना उनका दैनिक कार्य हो गया था। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगा, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अरे भाई, ऐसा लगता है मानो पटवारी का बेटा तो पागल हो गया है। हाँ भाई, जाने किस विषय में हमेशा ही सोचता रहता है। जब उनका कोई मित्र उनसे मिलने आता था तो वह सिर्फ औपचारिकता से ही उसे मिलते थे। अब गुरुजी एकांतवास में रहने लगे, वह भोजन किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी माताजी उनसे बोली, नानक, फकीरों का संग त्याग दो, खाओ कमाओ और कुल का नाम रोशन करो। तुम्हारी ओर देखकर पूरा परिवार व कुल दुखी है। पिता के काम में हाथ बटाओ, काम करोगे तो विवाह भी अच्छी जगह होगा। लोग तुम्हारे बारे में जब भला बुरा कहते हैं तो मैं सुनकर जलती हूँ। माता जी के इतना कहने के पश्चात भी गुरुजी नामात्र का ही भोजन करते थे। कभी कभी तो पूरे दिन वे पानी तक नहीं पीते थे, शरीर निर्बल हो गया था। हे भगवान, मेरे पुत्र को बीमारी से मुक्त करो, मैं तुम्हें दंडवत प्रणाम करती हूँ। एक दिन माता जी बोली, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगी, पता तो चले तुझे क्या रोग है। गुरुजी मौन रहे। दूसरी ओर श्री मेहता कालू से सभी कह रहे थे, पटवारी जी, आप किसी अच्छे वैद्य से नानक का इलाज करवाएं, धन तो बहुत मिल जाएगा पर पुत्र गया तो भाई गया। श्री मेहता कालू जी एक वैद्य को लेकर आए जिनका नाम हरिदास था। गुरुजी मुंह पर कपड़ा डाले लेटे रहे। वैद्य ने गुरुजी की नाड़ी हाथ में रखकर पूछा, कहो क्या रोग है इसे? बस क्या बताएं वैद्य, दिन रात यूं ही पड़ा रहता है, खाना नहीं खाता, ना ही किसी से कोई बातचीत करता है, शरीर दुर्बल व चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी। गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया और पूछा, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? वैद्य बोले, मैं तुम्हारे रोग की पहचान करने लगा हूँ, रोग देखूंगा और फिर उपचार करूंगा। फिर गुरुजी ने शब्दों के माध्यम से वैद्य से कहा। पिताजी ने वैद्य को बुलाया ताकि पुत्र का इलाज हो सके। वैद्य ने नाड़ी देखी, परंतु यह भोला भाला वैद्य नानक के रोग को नहीं जानता। हे वैद्य, तुम तो अपने आप में उत्तम हो, परंतु मैं तो तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरे रोग की पहचान कर लोगे और मुझे वह दवाई दोगे जो मेरे रोग को खत्म कर देगी और शरीर को सुख देगी। अगर ऐसी दवाई तुम्हारे पास है तो तुम सच्चे वैद्य हो, फिर अपना भी रोग दूर करो, तभी तुम अपने भी वैद्य कहलाओगे। गुरुवाणी सुनकर वैद्य ने नम्रता से उनसे पूछा, हे महाराज, मेरा रोग आप ही बताएं। गुरुजी बोले, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो हर प्राणी में अहम भाव अथवा घमंड का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म व मृत्यु का कारण है। जो इंसान इस रोग से खुद ग्रस्त है वह दूसरे का रोग कैसे ठीक कर सकता है? जिस दवाई से यह रोग दूर हो मैं वह दवाई देखना चाहता हूँ,
जो अपना रोग दूर कर सके वही उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाएगा उसको यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का कोई उपचार नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं। सभी में ईश्वर देखें और ईर्ष्या न करें। उपदेश सुनने के पश्चात वैद्य जी ने कालू मेहता जी से कहा, कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है। इस पर तो ईश्वर की भक्ति का रंग चढ़ा है। यह तो संसार के रोगों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। इतना कहकर वैद्य जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर वापस चले गए। ईश्वर में जरूरत से ज्यादा भक्ति के कारण उनके पिताश्री मेहता कालू अक्सर चिंतित हो जाते थे। एक दिन अपनी चिंता निवारण के लिए रायबल्लर के पास गए और उनसे कहा, नानक की आयु अभी खेलने कूदने की है, परंतु इसको जाने क्यों हमेशा ईश्वर भक्ति की वार्ता में ही आनंद आता है। ईश्वर में ही ध्यान रखेगा तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। पटवारी साहब, आप नानक को मुल्ला के पास भेज दो, वहाँ जाएगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। गुरुजी के पिता उन्हें मुल्ला के पास ले गए। मुल्ला जी, कृपा करके आप मेरे पुत्र को फारसी सिखाएं। कालू जी, नानक जैसे आपका पुत्र है वैसे ही मेरा, इसे मैं फारसी जरूर सिखाऊंगा। 1 रुपया भेंट के रूप में मुल्ला जी को दिया गया। मुल्ला जी ने अलफ से यह तक तमाम हरफ तख्ती पर लिख दिए। जब वह उनका उच्चारण बताने लगे तो श्री गुरु नानक देव जी, जिनके हृदय में चारों वेद और तमाम पुस्तकें जिनमें कुरान शरीफ भी थी, सभी विराज रही थी। गुरु जी चुपचाप बैठे रहे। तख्ती और कायदा, जिसे फारसी की पहली पुस्तक कहते हैं, अपने सामने रख दी। मुल्ला जी ने देखा सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु गुरु जी चुपचाप बैठे हैं। उन्हें क्या पता था गुरुजी ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुके हैं। अरे नानक, पढ़ते क्यों नहीं, सबक याद करो। गुरुजी बोले, मैं क्या पढ़ूं, आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें अलफ से यह तक समझा चुका हूँ, इसे याद करो। जब यह याद हो जाएगा तो आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। गुरुजी बोले, यह हरफ किस काम आएगा। किस काम का, इसे पढ़ने से तो बुद्धि बढ़ेगी। इसके पश्चात गुरुजी ने ईश्वर का सिमरन किया और अलफ से यह तक जितने भी हरफ थे मुल्ला जी को सुना दिए। मुल्ला जी ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब जानते हो, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, तुम तो संपूर्ण संसार को पढ़ाओगे। श्री मेहता कालू जी को बुलाया गया। बेदी जी, आपका साहिब ज्यादा कोई आम बालक नहीं है, यह तो हिंदू मुस्लिम सभी को एक करेगा। इसने तो गंगा, काशी, मक्का सभी जगह अपना यश पैदा करना है। गुरुजी रोज पढ़ाई करने आते थे और जो भी कार्य मुल्ला जी देते वह उसे तुरंत कर देते थे। मुल्ला जी यह सब देखकर बहुत हैरान होते थे। खुदावंद, यह अजीब बालक है, यह तेरी कुदरत है। मैं जो लिखता हूँ सिखाता हूँ वह इसे तुरंत सुना देता है, सुभान अल्लाह। इसके अतिरिक्त जो कोई भी गुरुजी के पास आता था तो गुरुजी उसे ईश्वरीय ज्ञान देते थे। सभी लोगों को गुरुजी के दिव्य होने का पता चलने लगा था। सभी कहते थे नानक ईश्वर भक्त है। गुरुजी उर्दू में मुसलमानों व हिंदी में हिंदुओं की शंका दूर करते थे। हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी इत्यादि सभी भाषाएं गुरुजी को जुबानी याद थी। कुछ समय के पश्चात गुरुजी घर में आकर मौन होकर बैठ गए। कालू जी ने मुल्ला को बुलाया। उन्होंने तंत्र मंत्र किए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब चलाक मुल्ला बोले, हे नानक, तुम कब तक चुप रहोगे, सभी परेशान हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता, कुछ तो बोलो। जब खुदा का वास्ता सुना तो गुरुजी तुरंत उठकर बैठ गए। तुम्हारी रक्षा पीर करेंगे, तुम तो खुदावंद करीम के भेजे हुए हो, तुम पर रब की मेहर है, तेरी खामोशी से दुनिया दुखी है, कुछ तो बोल। गुरुजी मुस्कुराए और एक शब्द का उच्चारण किया जिसका अर्थ है, हे साहेब, तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप कान लगाकर सुनो। परमात्मा अनंत है,
सबका पालन करता है, उसके बगैर और कोई नहीं है। हे नानक, तुम्हारे मौन रहने से सभी दुखी हैं। यह सुनकर गुरुजी ने दूसरा शब्द बोला, हे मुल्ला साहेब, यह संसार नाश होता जा रहा है, मैं किससे बात करूं? यह सत्य है कि जिस मनुष्य के बाल फरिश्ते ने अपने हाथ में पकड़े हैं, वह इसे एक आध पल में ले जाएगा, परंतु वह अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके बाल यम के हाथ में हैं। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है और ना मैं जानता हूँ मेरा क्या होगा। मुझे तो इस बात का अचंभा है कि जिस इंसान को पल का नहीं पता, वह मोह माया में कैसे फंसा है। नाना, कभी तुम्हारा बाल काल चल रहा है, इस वैराग्य में पढ़ने का तुम्हारा कोई समय नहीं है। जब युवा हो जाओगे, जो चाहे करना हो कर लेना। गुरुजी बोले, हे मुल्ला जी, जो आदमी किसी का दास होता है, भले उसकी आयु छोटी क्यों ना हो, जहाँ तक उसमें क्षमता होती है, वह अपने स्वामी की सेवा करता है। अगर मैं उस ईश्वर की सेवा नहीं करूँगा तो मुझमें हीनता का भाव आ जाएगा। जब इंसान का अंत समय आएगा तो उसे यम से बचाने कोई नहीं आ सकता। उस समय प्रभु के सिवा इंसान का कोई दोस्त नहीं है। हे नानक, तेरे अहो भाग्य जो तुमने उस परमात्मा की कृपा अल्प आयु में ही प्राप्त कर ली। ईश्वर की कृपा से तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त होगा, तुम में ना कोई बुराई है और ना कभी होगी। गुरुजी ने कहा, इंसान ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करता, परंतु जब वह मिलता नहीं है तो उसकी निंदा करता है, दिन रात दूसरों की बुराई करता है। मुल्ला जी, वह एक क्षण तो ईश्वर का सिमरन नहीं करता, परंतु मैं उस परमात्मा का सेवक हूँ। सुभान अल्लाह, हे नानक, तू तो उस खुदा से जुड़ चुका है। गुरुजी बोले, मुल्ला जी, यह इंसान बुरे कर्मों व बुराइयों में लीन है, वह इस गफलत में है कि वह कभी नहीं मरेगा। जो ईश्वर का भक्त है, वह जानता है कि मृत्यु अटल है, वह उसे हमेशा याद रखता है। मैं ईश्वर के पाँव की धूल हूँ, हर इंसान के सिर पर ऋण है, परंतु वह यह कहता है उसके सर पर कोई ऋण नहीं है, वह बेफिक्र घूम रहा है। हे नानक, तुम तो परमात्मा से मिले हुए हो, तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है, हमारी प्रार्थना उस मालिक के दरबार में तुम्हें ही स्वीकार करवानी है। नानक, गुरुजी बोले, आप भी उस प्रभु का स्मरण करो, तभी कल्याण होगा और तभी मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। इसके पश्चात मुल्ला जी ने गुरुजी के चरणों में, जो कि मात्र 7 वर्ष के थे, अपना शीश झुका दिया और गुरुजी के पवित्र उपदेशों से मुल्ला जी भी गुरुजी की भक्ति के रंग में रंग गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी बालकाल से ही मोह माया व दुनियादारी से दूर थे। इस बात की वजह से उनके पिता श्री कालू मेहता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बड़े प्यार से बुलाया और उनसे कहा, ओ नानक, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हो जैसे कि कोई सन्यासी, और मैं यह भी मानता हूँ कि तुम परिवार में घुल मिलकर रहने का पूरा प्रयास कर रहे हो। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छे व्यापारी बनोगे और कुल का नाम रोशन करोगे। मैंने तुम्हें कई प्रकार के काम करने को कहा, पर तुमने मुझे हमेशा मायूस किया। आशा करता हूँ अब की बार तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। गुरु नानक देव जी ने अपने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनसे कहा, पिताजी, आप उदास व मायूस होते हैं, परंतु मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वह तो ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इसके अतिरिक्त आपने मुझे जैसा आदेश दिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस आदेश का पालन हो। श्री कालू मेहता यह सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि उनका पुत्र सही रास्ते पर है।
शाबाश बेटा, जाओ ये कुछ पैसे रख लो, दूसरे शहर जाकर कुछ सस्ता व खरा सौदा खरीदो। शुरुआत में थोड़े से शुरुआत करना और उसके पश्चात अपना व्यापार बढ़ाना। इन 20 रुपयों से प्रदेश से सौदा खरीद कर लाओ और उसे यहाँ तलवंडी में मुनाफे में बेचो। खरा सौदा कर आना और हाँ, बाला को भी अपने साथ ले जाओ, दोनों साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। गुरुजी परदेश को खरा सौदा करने को भाई बाला संग निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बाग दिखाई दिया, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे। कोई साधु पेड़ पर उल्टा होकर, तो कोई एक पांव पर खड़ा होकर, तो कोई बैठकर घोर तपस्या कर रहा था। उन्हीं साधुओं में एक मुखिया साधु थे। गुरुजी उनके संग जाकर बैठ गए और उनसे बोले, हे महापुरुष, कितनी ठंड है और आप सभी निवस्त्र हैं, यहाँ कोई भोजन का प्रबंध भी नहीं दिखता। क्या आप अपना जीवन यहाँ अपनी खुशी से बिता रहे हैं या फिर किसी मजबूरी से? ओ बालक, हमारे पास सभी कुछ था, हम भी तुम्हारी तरह थे, अपने परिवार के संग रह रहे थे, परंतु हमने अपने परिवार का त्याग किया। पारिवारिक जीवन मोह माया है और हम एकांत चाहते थे, इसलिए पारिवारिक जीवन से दूर हम यहाँ एकांत में तपस्या कर रहे हैं। आप कितने दिनों से यहाँ भूखे रह रहे हैं? ओ प्रिय बालक, हमसे यह प्रश्न मत पूछो, हम भोजन को भीख में नहीं चाहते, जो कुछ ईश्वर की मर्जी से आता है हम उसे खा लेते हैं, नहीं तो व्रत कर तपस्या करते हैं। आज 7वां दिन है हमारे उपवास का। यह सुनकर गुरुजी का मोम सा हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा, ये सभी 7 दिनों से भूखे हैं, आसपास के गांव में जाकर ये भोजन भिक्षा में मांगेंगे नहीं, क्यों ना पास के किसी गांव में जाकर इनके लिए भोजन खरीदा जाए। गुरुजी ने साधु से पूछा, ओ संत, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संत रैन है और मैं इस मठ का मुखिया हूँ। गुरुजी संत से बोले, अगर मैं आपके लिए भोजन लाऊं तो क्या आप भोजन करेंगे? अभी तुम किशोर हो, तुम्हें अवश्य ही पैसे तुम्हारे पिता ने दिए होंगे, तुम हमारी चिंता मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। गुरुजी का दिल उनकी बातें सुनकर पसीज रहा था और वह सोचने लगे, यह सभी परमात्मा में आस लगाए बैठे हैं कि इन्हें परमात्मा भोजन भेजेगा, पूरे 7 दिनों से भूखे हैं, मैं इन्हें भूखा छोड़कर कैसे जाऊं? मनुष्य की 4 सबसे बड़ी पीड़ा है, पहली पीड़ा अलगाव होना यानी अपनों से बिछड़ना, दूसरी भूख, तीसरी बीमार शरीर और चौथी मौत का इंतजार। गुरुजी ने अपने जेब से 20 रुपए निकालकर साधु के चरणों में रख दिए और उनसे कहा, यह रुपए मुझे आज ही मिले हैं, आप इन्हें स्वीकारें और भोजन करें। अभी तुम किशोर हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे पिता ने यह धन जरूर किसी और काम के लिए दिया होगा, अगर तुमने हमें यह दे दिए तो तुम्हारे पिता तुम पर बहुत नाराज होंगे, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तुम कष्ट मत उठाओ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हमारे शरीर को कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए, दिमाग को यह सिखाना चाहिए कि कैसे और उसे प्यार किया जाए, और जो होना है वह होकर रहेगा, परंतु अच्छे कार्य करने का समय बार बार नहीं आता। आप इस पैसे से अपना और अपने साथियों का भोजन लें। अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम पैसा तो नहीं लेंगे, परंतु तुम इन पैसों से हमारे लिए यही भोजन की सामग्री ले आओ, हम भोजन खुद ही बना लेंगे। यह कहकर साधु फिर से ध्यान मगन हो गए और गुरुजी भोजन की सामग्री लेने को बाजार पहुंचे। भाई बाला ने गुरुजी को बहुत मना किया, परंतु गुरुजी ने उनकी एक ना सुनी। जब गुरुजी सामग्री लेकर आए तो संत ने आंखें खोली और उन्हें यह आभास हुआ कि गुरुजी कोई आम बालक नहीं है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे आभास हो गया है, अब आप यहाँ से जाएं, भोजन हम पका लेंगे। जब गुरुजी वहाँ से चले गए तो एक साधु ने मुख्य साधु से पूछा, साधु महाराज, यह बालक कितने नर्म हृदय व संत स्वभाव का है, इसे तो हमारे साथ होना चाहिए, आपने उसे यहाँ से जाने को क्यों कहा?
यह बालक गुरुओं का गुरु है। इसे ईश्वर ने लोगों के कष्ट दूर करने के लिए भेजा है। वह हमारे उद्धार के लिए नहीं आया, दुनिया के उद्धार के लिए आया है। यह अच्छा नहीं होता कि इस ईश्वरीय बालक से हम अपनी सेवा करवाते। दूसरी ओर तलवंडी जाते हुए भाई बाला को गुरुजी ने कहा, बाला हम पिताजी को क्या बताएं? पिताजी इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे कि जो मैंने आज किया वह खरा सौदा था। जो आपने किया उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो आपको रोका था, परंतु आप मालिक है और मैं नौकर। मैं रोकने के अलावा और क्या कर सकता था। भाई बाला अपने घर की ओर चल दिए और गुरुजी अपने घर की ओर। रात हो गई थी और गुरुजी ने अपने घर में विश्राम किया। सुबह हो चुकी थी। श्री गुरु नानक देव जी के माता पिता को यह पता चला कि भाई बाला तो अपने घर वापस जा चुके हैं, परंतु गुरुजी अभी तक घर नहीं पहुँचे। नानक की माँ, हमारा बेटा कहाँ गया? बाला तो रात में ही घर आ गया, पर नानक नहीं आया। नानक ने बाला को अपने साथ क्यों नहीं रखा? क्या उसकी और बाला की कोई लड़ाई हो गई या वो कहीं गुम हो गया है? भाई बाला को बुलाया गया। भाई बाला ने पूरी घटना के बारे में कालू मेहता जी को बताया। गुरुजी को ढूंढने के लिए सब लोग सूखे तालाब की ओर गए। गुरुजी वहां पर ईश्वर के ध्यान में लीन थे। श्री कालू मेहता ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। ओ नलायक, तुम कोई काम सही से नहीं कर सकते। यहाँ बैठे ध्यान लगा रहे हो। मुझे यह बताओ, मेरे रुपए कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे व्यापार के लिए, खरा सौदा के लिए? श्री कालू मेहता को इतना अधिक क्रोध आया कि उन्होंने गुरुजी के ऊपर हाथ उठा दिया। गुरुजी चुपचाप खड़े रहे, परंतु उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसी बीच राय बुल्लर को पूरी घटना का पता चला। यह क्या अनर्थ हो रहा है? मेरे राज में एक दिव्य आत्मा पर इतना अत्याचार! अभी जाओ कालू और नानक को यहीं बुला कर लाओ। गुरुजी वहां अपने पिताजी के साथ पहुंचे। राय बुल्लर को गुरुजी के दिव्य होने का आभास था। वह उनसे बोले, ओ नानक मुझे क्षमा करना, मेरे राज्य में तुम्हार पर इतना अत्याचार हो रहा है। इसके पश्चात राय बुल्लर श्री कालू मेहता से बोले, कालू तुम बेहद ही निर्दयी हो। तुम यह नहीं जानते तुम्हारे घर में संत पैदा हुआ है। तुम्हें ईश्वर का जरा भी डर नहीं है। राय साहब, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, परंतु मैंने नानक को व्यापार के लिए पैसा दिया था, खरा सौदा करने को पैसा दिया था। अगर यह पैसा कमाकर उसे दान में देता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु इसने तो मेरे द्वारा दिया धन ही दान में दे दिया। इसी वजह से मैं इस पर क्रोधित हुआ और इस पर हाथ उठाया। पटवारी जी, जरा तुम सोचो, तुमने इसे भेजा था खरा सौदा करने को। इसने धन का प्रयोग साधुओं की भूख मिटाने के लिए किया। यह कहा जाता है, अगर तुम कोई दान करते हो तो उसका 10 गुना तुम्हें इस जन्म में मिलता है और उसका 70 गुना अगले जन्म में मिलता है। जो नानक ने किया उससे अधिक खरा सौदा हो ही नहीं सकता। यह लो 20 रुपया जो तुमने नानक को दिया था। राय साहब, मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ? मैंने नानक से कर्ज लिया था, वही चुका रहा हूँ। परंतु नानक ने तो कभी कमाया ही नहीं। नानक ईश्वर का रूप है, मेरे पास जो कुछ भी है वह इसी की देन है। इसके पश्चात दोनों पिता पुत्र अपने घर को चले गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जनेऊ प्रथा उच्च वर्ण के लोगों में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है। गुरु नानक देव जी बचपन से ही ऊंच नीच व धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव को नहीं मानते थे। उनकी यह बात को देखकर उनके पिता कालू मेहता बहुत परेशान थे, क्योंकि वह एक उच्च वर्ण से संबंध रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र के वर्तमान, भविष्य और आने वाली योनियों को शुद्ध करने के लिए उनकी 9 साल की आयु में जनेऊ प्रथा का आयोजन करवाने का सोचा। आयोजन से पहले गुरुजी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? पुत्र, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस मैं यह जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे जनेऊ तुम्हारी उम्र में धारण करवाया था और उन्होंने कहा था इससे मैं पवित्र हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गुरुजी ने पिताजी से पूछा, मेरी जनेऊ प्रथा कौन संपन्न करवाएंगे? महाज्ञानी पंडित हरदयाल तुम्हारी जनेऊ प्रथा को संपन्न करवाएंगे। गुरुजी ने कहा, तो मैं उनसे ही पूछूंगा
कि हमारा जनेऊ धारण करना क्यों आवश्यक है। यह बात पूरे गांव में फैल गई और प्रथा के दिन बहुत से लोग पंडित हरदयाल और बाल गुरुजी के बीच का संवाद सुनने और देखने को पहुँचे। गुरुजी ने पंडित हरदयाल से पूछा, पंडित जी जनेऊ क्या होता है? पंडित जी ने कहा, जनेऊ एक पवित्र धागा है और इसे पहनने की प्रथा को यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत शब्द के दो अर्थ हैं। प्रथम, उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है और विधारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इसी संस्कार का अंग होता है। द्वितीय, सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं बाजू के नीचे पहनता है। कृपया सभी ध्यान से सुने, यह प्रथा हिंदू धर्म में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है, परंतु यह प्रथा सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही है। जनेऊ धारण करने के पश्चात यह व्यक्ति का दूसरा धर्म है। जनेऊ को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग ही धारण कर सकते हैं। यह धागा मामूली नहीं है। इसे धारण किए बिना एक ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण, एक क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय और एक वैश्य सच्चा वैश्य नहीं हो सकता। इसे पहनकर ही आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और वेदों को पढ़ सकते हैं। इसे पहनकर ही एक ब्राह्मण को यह शक्ति आती है जिससे वह किसी को श्राप या आशीर्वाद दे सकता है। श्राप का नाम सुनकर कालू मेहता भी घबरा गए, परंतु गुरुजी के चेहरे पर तेज भरता गया। पंडित हरदयाल बोले, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? अगर मिल गया है तो हम प्रथा को शुरू करें। गुरुजी ने पूछा, इसे महिलाएं क्यों नहीं धारण करती? यह सच नहीं है, तुम्हें नहीं पता, परंतु विवाह के उपरांत पुरुष को उसकी धर्म पत्नी के नाम का भी जनेऊ दिया जाता है। यह सब हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा हुआ है। पति पत्नी के लिए भगवान के स्वरूप होता है। गुरुजी ने कहा, पंडित जी यह सही नहीं है। अगर स्त्री शादी होने से पहले अविवाहित ही मर जाए तो क्या होगा? हमें अपने पवित्र ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए। और इस पवित्र समय पर तुमने मृत्यु का नाम लेकर सारा वातावरण भ्रष्ट कर दिया है। अब मुझे मंत्रों का उच्चारण कर इस वातावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। पंडित जी, मृत्यु तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या जनेऊ पहनने से मृत्यु नहीं आएगी? यह सब बातें सुनकर पंडित जी भी विचलित हो गए और बोले, अब जल्दी से प्रथा शुरू करते हैं। अभी तो तुम्हारे मुंडन की प्रथा भी शुरू होनी है। गुरुजी ने फिर से पूछा, मुंडन प्रथा क्या होती है? मुंडन प्रथा में तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे और बस चोटी को रखा जाएगा। सिर्फ चोटी को क्यों पंडित जी? चोटी से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और ईश्वर तक पहुँचने में तुम्हें सहायता मिलेगी। गुरुजी बोले, फिर तो पंडित जी मेरा एक भी बाल मत काटे, क्योंकि जब छोटी से छोटी मेरा दिमाग तेज रखेगी तो सोचो सारे बाल मेरा दिमाग कितना तेज कर देंगे। इन सभी बातों का पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी बोले, ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी पवित्र धागे या मुंडन की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे कर्म और मनुष्य सेवा से आप ईश्वर को पा सकते हैं। अपराध कर अगर आप किसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे और वापस आकर फिर अपराध करेंगे तो हमें ईश्वर कभी नहीं मिल सकते। गुरुजी बोले, जिन प्रथाओं का कोई आधार नहीं होता वह निराधार होती हैं और ऐसी प्रथाओं को करना आवश्यक नहीं है। और यह कहकर गुरुजी ने जनेऊ धारण करने से मना कर दिया।